गोपी जी यहाँ साइन कर दीजिए। अरे अपना पिछले 6 महीने में 420 के जितने केस हुए हैं उसकी मन ने पूरी लिस्ट चाहिए और इन पे क्या एक्शन लिया गया है ये जानना है मन ने। जी मैडम। और तुम हवलदार बिल्लू? यस। ये अपना टिमरकन टोला पे शाम को जाके राउंड मारो, बहुत ईप टीजिंग के केस जा रहे हैं वहां पे। और अपनी ड्यूटी ऑफ कराते वक्त ये हवलदार गोलू की ड्यूटी इन करवा देना। ओके मैडम। और तुम गोपीनाथ बैठो काम करो। हेलो इमान चौकी। हाँ हवलदार बिल्लू बोल रहा हूँ जी। नहीं अब हम लोग 24 घंटे रहते हैं चौकी में, आप कभी भी आइए। नमस्ते मैडम। इस रजिस्टर पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। थैंक यू। हेलो ब्लू हेवन नाइट क्लब का मैनेजर बोल रहा हूँ। स्विमिंग पूल बन गया भाई हमारे। अरे बाकायदा बहुत खूबसूरत बना है, मैं खुद अभी स्विमिंग करने जा रहा हूँ। चलिए चलिए शमाना देखो शमाना, ये देखो इस हाइट से स्विमिंग पूल में जंप करने का जो मजा है ना वो किसी और चीज में नहीं है। अभी मैं जंप करूंगा और स्विमिंग पूल का पानी छपाक तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर आकर टकराएगा। अब देखो मेरी डाई देखो ना शमाना, डाइविंग देखो यार। शमाना जरा यहाँ दबाना। हाँ हुआ था कुछ और आगे से होना नहीं चाहिए। ऐसा है अगर तुम्हारी मेडिकल प्रॉब्लम चल रही हवलदार बिल्लू तो इलाज करवाओ। नॉन इलाज में अगर दिन लग रहे तो मेडिकल की लीव लो और उसके बाद अपना करवाओ इलाज, जाके छुट्टी पे। इस तरह का ये बंदर बना ही चौकीम बर्दाश्त ना होगा। चलो इसी बहाने सही चौकी में इतने सालों बाद शांति तो आई है। लोगों ने लगे है कि मन ने वायलेंस पसंद है जबकि मन ने साइलेंस पसंद है। हमारी मोटरसाइकिल का साइलेंसर खराब हो गया है, बनवाने जाना है। समझ गए ना जूनियर हवलदार? हाँ सीनियर हवलदार। या दिस वन बड़े भैया यार बिल्लू। हवलदार बिल्लू मैंने ये लिस्ट रजिस्टर में लिख दी है,
तुम जरा क्रॉस चेक कर लो। जी गोपी जी, अभी लंच ब्रेक होने वाला है, उसके बाद मैं ये ऑफिशियल काम कर दूंगा। भाई पराठों का अगर मजा है तो वो है दही और अचार के साथ, और पराठे भी ऐसे वैसे कोई ना, पराठे हो गोपी घर के, दही हो भाई मारे घर का एकदम शुद्ध, और अचार हो बिल्लू के यहाँ का एकदम टेस्टी वाला, फिर आवे असली मजा खाने का सबके साथ। चलिए मैडम, जब तक मेरे घर से आए हुए आम के अचार को आप अपनी उंगली से चाट ना लेना, तब तक मैं लंच शुरू नहीं कर सकता। अरे बिल्लू, मैं क्या सोच रही हूँ, ना कभी ऐसा कोई दिन आ जाए, वाह, ऐसा कोई दिन आ जाए जब हम तीनों को अकेले अकेले खाना पड़े या एक दूसरे के बगैर खाना पड़े तो कैसा होगा? जी मम्मी जी, ऐसा मत बोलो जी, मैं रब से दुआ करूंगा जी, ऐसा दिन कभी ना आए जी। बस मैं तो ऐसे ही पराठे लाता रहूं, आप दही लाती रहें, और बिल्लू लाता रहे अचार इज़दा, ऐसे हैं मेरे विचार इज़दा। वेल, क्या आज बिना मॉम के खाए मैं ये पराठे खा लूंगा? भैया आज कुछ ज्यादा ही टेस्टी पराठे लाए हैं। कितनी खुशबू आ रही है, लेकिन लगता है आज सिर्फ अचार खाकर गुजारा करना पड़ेगा। वेल, नाश्ता कर लिया था मैंने कुछ ज्यादा इज्दा, पेट भरा हुआ है अभी तक आधा इज्दा। चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। ओ बिल्लू, आज समझ में आ रहा है कि हम तीनों का रिश्ता पराठा दही और अचार की तरह है। जिनका मजा तभी आवे है जब वो तीनों एक साथ हो, अलग अलग तीनों ही बेस्वाद। सर, जैन सर, सर आप अचानक यहाँ कैसे, मतलब मन ने बुलवा लिया होता? हाँ मिस चौटाला, इंस्पेक्टर यादव को हार्ट अटैक आया है और हवलदार गुप्ता को हाई ब्लड प्रेशर है। ओहो, वेरी सैड सर, पर आप यो किस संदर्भ में बता रहे हैं सर? मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल हर पुलिस स्टेशन का माहौल इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है कि ये सब बीमारियां जो है सब पुलिस वालों को लग रही है। इसी वजह से ऊपर से ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर क्या लिखा सर ऑर्डर में? इसमें लिखा है कि हर पुलिस स्टेशन का माहौल जो है हंसी मजाक का होना चाहिए। और इसमें ये भी लिखा है कि इसके लिए इंक्वायरी भी होगी कि कौन से पुलिस स्टेशन में
कैसा माहौल है। और वो कैसे होगा सर? कि हर चौकी में कोई ना कोई पुलिस वाला भेष बदल कर FIR लिखवाने जाएगा और वो वहां देखेगा कि वहां का माहौल कैसा है। चलता हूं। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं इंस्पेक्टर हूं, मुझे ना FIR लिखवानी है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई FIR लिखने के लिए ही तो हमने वर्दी पहनी है, कोई कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी कोई ना। भैया भैया वो देखिए तोता उड़ रहा है। कहाँ कहाँ? अरे वो चिड़िया के पास। लेकिन चिड़िया कहाँ है? तोते के पास। लेकिन वो दोनों कहाँ है? आसपास। अरे घने मजाकिया हैं यहाँ सब के सब, इतनी हंसी का माहौल रह वे, एवरीवन इज वेरी फनी। वाओ। लेकिन मैडम मेरी भी तो बात सुनिए ना आप। हाँ हाँ सुनाइए, आपकी बात सुनाइए, क्या हो गया, समस्या बोलो। मैडम मेरा पड़ोसी है ना, वो रोज केला खाता है। तो तुम क्या चाह रहे हो कि वो केला छोड़ के पपीता खाए? So funny. ओहो मम्मी जी, एक बिल्कुल नया जोक, फ्रेश जोक आया, बिल्कुल फ्रेश जोक। एक बार ना जी, एक चींटी के पास ना शादी के लिए हाथी का रिश्ता आया जी, पर चींटी ने ना शादी करने से मना कर दिया। पूछो क्यों? क्यों भैया क्यों? चींटी ने कहा लड़के के दांत बड़े हैं। मतलब इतनी हंसी का माहौल रहे बे, रात तो हमारे से कटा ही ना घर में, है ना, कि भाई कब सूरज निकलेगा और कब मैं स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में आऊंगी। मजा आ जावे। लेकिन मैडम मेरे 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 केस का क्या होगा? के चाह रहा है? अरे हाँ हाँ, तुम एक काम करो, अपना और अपने पड़ोसी का जो है एड्रेस लिखवा दो, फिर हम उससे डील करते हैं, डोंट वरी। वैसे भाई तुमने यूँ ना बताया कि तुम कहाँ के इंस्पेक्टर हो, मतलब एरिया कौन सा पड़ा है? मैं किधर का भी इंस्पेक्टर नहीं हूँ। मेरा नाम है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर पटेल। ये एड्रेस है, इस पे पहुंच जाना। ओके भैया, एक जोक और आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं आपको सुनाऊं? कैरी ऑन। बस मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ समझ से क्या हो, ऐसे छेड़ दो लड़की को, शर्म नहीं आती? अंदर करवा के रहूंगी, बोल देती हूँ। हाँ मैडम जी। ओहो, अरे फिरोजाबाद की चूड़ियों में इतनी खनखनाहट ना है, जितनी चिल्ला चिल्ला के तने आप चौकी में झनझनाहट मचा दी। मैडम जी मुझे इस आदमी के खिलाफ FIR लिखानी है। हाँ बस। क्यों, क्या कर दिया इसने? हुई 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 हुई। क्या हवलदार गोपी, क्या किया तुमने? मैडम जी मेरी ना शादी तय हुई थी, मुझे लड़के वाले देखने आए थे, वो चिटपुटियागंज के पास जो गार्डन है ना, हाँ वहां पे। जब मेरी सास ने मुझसे मेरी उम्र पूछी, तब ये बेशरम वहां पे आया और मुझे मम्मी जी बुलाने लगा।
और तू तू कौन है भाई? मेरा नाम है पौना पांडे, सुरेश मेरी साली है। सुरेश साली है? सीला कौन है? साला? साला नहीं मैडम, मार डाला। इस आदमी ने मेरा कान उमेट उमेट के मुझे मार ही डाला। सुरेश मेरी साली है। इस आदमी ने थारा कान उमेट लिया? उमेठा? जब मैं उस गार्डन में था बैठा, एक बार नहीं 10 बार उमेठा, और ऐसे यू यू ऐसे कान उमेट उमेट के नींबू की तरह निचोड़ निचोड़ के उमेट के फेंकने का एक्शन भी किया। ठीक है, तुम दोनों निकलो, इस आदमी खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। ओके, शादी? हाय, कोई बात नहीं। देखिए, आप पब्लिक हैं, हम पुलिस हैं, और पब्लिक की सेवा करना पुलिस का फर्ज है। इसलिए ये पुलिस इस पब्लिक से अब शादी करेगी, और शादी करके इस पब्लिक के प्रति ये पुलिस अपना फर्ज निभाएगी, चाहे कुछ हो जाए। चलिए आइए मेरे साथ। सच? बंदर या किसी शक्ल वाली, जाके देख पहली शक्ल अपनी आईने में। मोरलल्ला पे डोरे डालेगी, मोरलल्ला पे डोरे डालेगी। निकल जा यहाँ से, वरना तेरी अम्मा को बुला लूंगी। हमें नहीं पता तू क्या करती है, हमें नहीं पता। चल निकल यहाँ से, चल निकल। मम्मी, ओ बिल्लू, कुछ हुआ था क्या? हवलदार बिल्लू, डिग्गी चौराहे का राउंड मार के आओ अभी। ओके मैडम। हवलदार गोपी, तुम हुसैनगंज जाओ। ओके मैडम। ऐ तेल, क्या फायदा है तेरा इतना चिकना होने का, जब तू भैया के टकले पे नहीं लग सकता, जब मैं तुझसे भैया की चंपी नहीं कर सकता। आखिर क्यों क्यों की मैंने ऐसी मस्ती की, मैडम ने उजाड़ दी चौकी की खुशियों की बस्ती। इस चौकी की एक एक दीवार, एक एक खिड़की, एक एक कोना ये सुनने को तरस रहा है कि कब भैया चीख कर बोलेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द कब कब इस चौकी में होगी वो पहले की मस्तियां, वो ठहाके, वो चक्कर लसबाजी, वो अट्टहास कब गूंजेगा, कब कब कर पाऊंगा मैं भैया की दोबारा से एक बार और चंपी, कब कर पाऊंगा। चंपी करना है तो मेरी कर दो। चला बैठ। दुनिया में वैसी कोई खोपड़ी नहीं है जैसी भैया की खोपड़ी है। हर जो मजा जो मजा भैया की चंपी में आता है, वो और किसी की चंपी में नहीं आता और ना ही आ सकता है। जय श्री कृष्ण।